चरण में हमनी के बनी जा, और अंतिम चरण में सीट कितनी बची है जानते हैं? उत्तर प्रदेश में 13 सीट। और नौजवानों, 13 का अंक बड़ा अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। 13 का अंक अशुभ होता है। हम 13 ही में बिरहा गा रहे हैं, और 1 तारीख को इस सरकार की 13 सीटों पर 13 ही होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये काम करने जा रही है। जयदहो का चुनाव चलता मठल के होके, कुछ ना मिलल हते वो बलिया कराए साहब रहा कहना हमारा अपमान हो गई ना, वो ना बोल हमनिक जेके सब मिलल होके अपमान हो जाता। बलिया वाला राय साहब गई ना तो कुशीनगर में गए, राय साहब आज आ गई ना पीके राय साहब। वाली कहां सरकारी करे दे तलन सब। आज मैं दिन में था बांसगांव, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस के खाते में वो सीट चली गई है, सदल प्रसाद लड़ रहे हैं, और बराव चौराहे पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की सभा थी। साहब जब भाषण चला था कि देश के हर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया हर साल 8,500 रुपया हर महीना खटाखट खटाखट खटाखट, नौजवान किसान और आई हुई सभी सम्मानित जनता इस उम्मीद के साथ तालियां बजा रही है कि अब इस देश से इन लोगों की विदाई तय हो रही है, जिन लोगों ने कहा था कि नौजवानों शायद आपको नहीं पता, 27 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जा रहा है, और 73 साल का बुजुर्ग फिर तीसरी बार मौका मांग रहा है इस देश को बेचने के लिए। नौजवानों आज 28 तारीख है, 29 हो गया, 2 दिन इसमें और 4 दिन और, ठीक आज के 6 दिन बाद इस देश में यह तय होगा कि फिर आप टेंट लगाकर साउंड लगाकर कलाकारों को बुलवाकर 6 दिन के बाद इस देश में फिर गाना गवा पाएंगे कि नहीं गवा पाएंगे। यूट्यूब के साथियों, 6 दिन बाद इस देश में तय होगा कि सार्वजनिक जगहों पर स्टैंड लगाकर मोबाइल लगाकर किसी के बात को आप रिकॉर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर ये दोबारा आ गए तो आपका भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म, और अगर ये चले गए तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आने वाले पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान होगी। ये लड़ाई हल्की नहीं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, याद रखना।